व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए बेल्ज़ेबूब एनीमे के एक और नई एपिसोड के साथ, और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने जैसा कि बोला है कि मैं हर वीडियो में तीन कमेंट्स पिक किया करूंगा, सो हियर वी गो। तो पहला कमेंट करता है तरुण भाई, ने कहा है एनी अदर एनीमे कैन यू एक्सप्लेन। तो देखो भाई, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एनीमे पड़ा हुआ है जो बहुत शॉर्ट एपिसोड है, बहुत ही कम एपिसोड है और बहुत मज़ेदार है, लेकिन मैं अभी उन एनीमे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं यूट्यूब पर फुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा धड़ाधड़ वीडियो आने लगेगा। और सेकंड कमेंट करता है अपना डेविल भाई, ने कहा है भाई आपके कितने सब्सक्राइबर्स है प्लीज रिप्लाई। मुझे पता है आप लोगों को भी जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा होगा कि इस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स है, तो मैं बता दूं इस चैनल पे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। सो थर्ड कमेंट करता है रोशन पंडित भाई, ने कहा है भाई कल संडे है, क्या कल आप 2 एपिसोड दे सकते हो प्लीज। तो देखो मुझसे अगर एडिटिंग हो पाएगा तो मैं 2 एपिसोड डाल दूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं डालूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधा एपिसोड चालू करते हैं, उसके पहले इंट्रो लगाते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फुरुची को दिखाया जाता है कि फुरुची अकेले पूरा शहर एक्सप्लोर कर रहा है, पूरा शहर घूम रहा है, और उसके साथ आज बेथेम भी नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री है। और फुरुची कहता है कि आज मैंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद मैंने एक प्लान किया, और उसके बाद मैंने बेथेम को मॉम डैड के साथ भेज दिया शॉपिंग करने के लिए, और मैं आज अकेला हूँ और अकेला घूमूंगा, और आज फुरुची कुछ करके दिखाएगा। और उसके बाद फुरुची जब यह सब कुछ सोच रहा होता है कि मैं आज अपने बंदूक से गोली तो चलाऊंगा ही, और तभी देख है कि बेथेम उसके सामने आके खड़ा हुआ है, और उसके सामने जो बेड रखा हुआ है उसमें जाके लेट गया है, और वो कहता है कि हाय फुरुची कैसे हो। और उसके बाद बेथेम कहता है कि मैंने तुम्हारे मॉम को बताया कि हम दोनों जिस बेड पे एक साथ में सोते हैं, मतलब जिस बेड पे वो दोनों एक साथ में सोते हैं, वो बेड बहुत ज़्यादा छोटा है, तो तुम्हें क्या लगता है ये बेड कैसा होगा हमारे लिए। और उसके बाद दिखाता है कि पीछे जो लड़की आती वो लोग हंस रहा होता है और कहता है कि ये दो लड़के साथ में हैं, आप लड़कों का टेस्ट कितना बदल चुका है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चला जाता है, और फुरुची ये सब देखने के बाद वो अंदर से मर जाता है, पहले तो बेइज्जती और उसके बाद लड़की के सामने बेइज्जती। और उसके अगले सीन में तोजो को दिखाता है कि वो ओगा के स्कूल में आया है, मतलब वो उसका भी स्कूल है, और उसके बाद देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची पड़ी है, और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ये सब कुछ ओगा ने किया है। तो तोजो कहता है कि इस ओगा से तो मिलना पड़ेगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में ओगा का घर का एक सीन दिखाता है कि ओगा सुबह सुबह नींद से जगा है और वो एक रूम पे बैठा हुआ है, और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और वो कहता है कि इतनी गर्मी क्यों लग रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद दिखाता है कि उसका जो एल्डर सिस्टर है वो उस रूम में एंटर करता है, कहता है कि इस रूम में इतना ज़्यादा गर्मी क्यों है। और उसके बाद हिल्डा भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर एंटर करता है, और वो भी कहता है कि इस रूम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और उसके बाद देखता है कि जो बेल्ज़ेबूब है वो गर्म हो गया है, और उसके शरीर से वो ताप निकल रहा है जिससे कि पूरा रूम हीट हो गया है। तो बेल्ज़ेबूब को देखने के बाद ओगा कहता है कि तो इससे इतना ज़्यादा गर्मी आ रहा था। और उसके बाद वो हिल्डा को पूछता है कि क्या ये कोई समर कोल्ड है, तो वो कहता है नहीं ये कोई समर कोल्ड नहीं है। और उसके बाद उसका जो एल्डर सिस्टर है वो कहता है कि तुम्हें गर्मी लग रही है तो लो ये आइसक्रीम खा लो। और जब वो आइसक्रीम उसके पास ले जाता है, दिखाता है कि पास ले जाते जाते वो पिघल जाता है। उसके बाद ओगा हिल्डा से पूछता है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, तो हिल्डा कहता है कि नहीं लगता है ये बस एक टेम्पोरारी प्रॉब्लम है, लगता है बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची वहाँ पर आ जाता है, आने के बाद ओगा का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इस बुढ़े आदमी ने मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया, और अब तो ये मेरा कैरेक्टर भी ख़राब करने लग गया है, और मेरा जवान का रस तो यही पी जाएगा। और उसके बाद ओगा को कहता है जल्दी से जल्दी तोजो को ढूंढ, और उसके बाद इस बेल्ज़ेबूब से अपना पीछा छुड़ा। और उसके बाद फुरुची एक जगह पे बैठ के रोने लग जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्डा का जो एल्डर सिस्टर है वो वहाँ पर आता है, और एक जो प्लास्टिक का पूल होता है ना वो लेकर आता है, कहता है कि इसमें हम ठंडा पानी देंगे और उससे बेल्ज़ेबूब को ठंडा करेंगे। और उसके बाद ओगा का सिस्टर हिल्डा को पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई स्विम सूट है, तो हिल्डा कहता है नहीं मेरे पास कोई स्विम सूट नहीं है। तो उसका जो सिस्टर होता है वो कहता है कि तुम मेरे से एक ले लेना, और उसके बाद हम यहाँ पर मस्त नहाएंगे ठंडे पानी में। तो ओगा कहता है कि सुनो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, और तभी दिखाता है कि फुरुची एकदम से ठीक हो जाता है। और उसके बाद ओगा को कहता है कि तू रुक जा, तू अपना मुँह मत खोल, मैं सारा काम कर दूंगा, लेकिन उन लोगों को नहाने दे।
तुझे पता नहीं मैं कितना ज़्यादा सफरिंग कर रहा हूँ उस बेथेम के लिए। मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकता, वो मेरा कैरेक्टर हर जगह पे ख़राब कर रहा है, तो तू मुझसे ये मौका मत छीन। उसके अगले सीन में तोजो का एक सीन दिखाता है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन तोजो एक एक करके सब लोगों को मार के हरा देता है। और उसके बाद तोजो के जो चमचे होते हैं वो दोनों वहाँ पर आते हैं। आने के बाद कहता है कि लगता है ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। तो तोजो कहता है कि हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन मैं ओगा के लिए वेट कर रहा हूँ। मुझे सुनने में आया है कि ओगा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं उसके साथ मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि बेल्जुब के लिए वो लोग एक ठंडा पानी का पूल प्रिपेयर करते हैं, और जब भी बेल्जुब को उस पानी में घुसाता है दिखाता है कि सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है, मतलब बेल्जुब इतना ज़्यादा गर्म हो गया है। तो वो लोग कहते हैं कि ये ठीक है ना, तो हिल्दा कहता है कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि वो सब लोग घर में है और ओगा अपने बेड पर लेटे लेटे कॉमिक बुक पढ़ रहा है, और हिल्दा बेल्जुब को खाना खिला रहा था, मतलब उसको दूध पिला रहा था, और जो दूध का बोतल होता है वो फट जाता है। तो ओगा कहता है कि तुमने ये क्या किया, देखो पूरा फर्श गीला कर दिया। तो हिल्दा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसका दूध का बोतल अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और वो फट गया। तो ओगा कहता है कि वो ठीक है ना, और उसके बाद हिल्दा कहता है कि मुझे पता नहीं वो ठीक है या फिर नहीं, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जब ये लोग बातें कर रहा होता है तभी दिखाता है कि बिल्कुल एकदम ठीक हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा नाचने लगता है, इधर उधर कूदने लगता है, मुक्का मारने लगता है हवा में। तो ओगा कहता है कि मुझे लगता है सच में कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद हिल्दा ओगा के हाथ में देखता है कि उसका जो जेबूर स्पेल है वो गायब हो जाता है। और उसके बाद बेल्जुब भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्जुब का फीवर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और हिल्दा कहता है कि इसका फीवर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा, और लगता है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और उसके बाद ओगा को कहता है तुम्हारे हाथ का जो जेबूर स्पेल है वो भी मिट गया है, और लगता है तुम्हारे साथ इसका कनेक्शन भी टूट गया है, ये बहुत ही बुरा है। और उसके बाद ओगा को दिखाता है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और वो सोच रहा होता है कि इसके बाद से मुझे एक भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं खाना पड़ेगा। उसके बाद वो हिल्दा को पूछता है ये ठीक हो जाएगा ना, तो हिल्दा बहुत गुस्से में कहता है कि मुझे पता नहीं ये ठीक होगा या फिर नहीं। और उसके बाद ओगा कहता है कि ये तो डिमोन लॉर्ड है, ये तो कभी भी मर नहीं सकता। और उसके बाद हिल्दा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और उसके बाद फाइनली एक क्वेश्चन करता है ओगा, जिससे हिल्दा का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है कि अब तो शायद मैं उससे 15 मीटर से ज़्यादा दूर जा सकता हूँ, और हिल्दा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ओगा को ऊपर की खिड़की तोड़ के बाहर फेंक देता है, और कहता है कि अपना चेहरा कभी भी यहाँ पर मत दिखाना। तो ओगा कहता है इसकी प्रॉब्लम क्या है बे, और उसके बाद हिल्दा को दिखाता है। हिल्दा कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और अपना चेहरा यहाँ पर कभी भी मत दिखाना, और इस घर में कभी भी वापस मत आना। और उसके अगले सीन में ओगा को दिखाता है कि वो रास्ते से अकेले जा रहा होता है, जाते जाते ये सोचता है अगर बेल्जुब का तबीयत ख़राब है तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद वो सोचता है कि अगर उससे मेरा कनेक्शन टूट गया है तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, मैं आपसे उससे आज़ाद हूँ। और उसके बाद वो सोचता है कि बेल्जुब का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसी वक्त पर उन लोगों को छोड़ के आना ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये सोच के वो वापस जाने ही वाला होता है, देखता है कि एक आदमी उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ है, और वो स्ट्रेंज आदमी कुछ कहे बगैर ही ओगा के मुंह में एकदम लात मार देता है। और उसके बाद वो कहता है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम ओगा हो ना, और तुम तो कभी भी तोजो को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ओगा उठता है, उठने के बाद कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया भैया, तू कौन है। और उसके बाद ओगा पूछता है कि तूने क्या तोजो का नाम कहा है। तो वो स्ट्रेंज आदमी कहता है कि आ जा अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक कर। तो ओगा उसके ऊपर पूरी ताकत से अटैक करता है, वो उसे किक करता है, पंच करता है, लेकिन वो आदमी बार बार उसे डॉच करता है। और उसके बाद वो आदमी ओगा के ऊपर एक बहुत पावरफुल पंच करने ही वाला होता है कि उसका कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बहुत देर बाद ओगा घर में आता है, आने के बाद देखता है कि बेल्जुब उसके बिस्तर में लेटा हुआ है और उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वहाँ पर हिल्दा भी नहीं है। तो ओगा क्या करता है, उसके सर में बहुत देर तक पट्टियाँ करता है, और पट्टी करने के बाद सो जाता है, और आधी रात को बेल्जुब का नींद टूट जाता है। तो जब अगली सुबह होता है देखता है कि बेल्जुब उसके साथ सोया नहीं है। और उसके बाद जब फुरुची आता है, फुरुची को ओगा यह सब कुछ कहता है कि हिल्दा और बेल्जुब अचानक से पता नहीं कहां पर चला गया है। और जब ओगा यह सब कुछ फुरुची को बता रहा होता है, उसका एल्डर सिस्टर वो सब सुन लेता है। सुनने के बाद ओगा को बहुत ज्यादा मारता है, और मारने के बाद फुरुची और ओगा दोनों को घर से बाहर निकाल देता है, कहता है कि हिल्दा और बेल्जुब को जब तक तुम लोग ढूंढ नहीं लेते तब तक घर में वापस मत आना। और उसके बाद ओगा और फुरुची रास्ते से जाते जाते कहता है कि ये तो अच्छा ही हुआ, वो दोनों हमारी जिंदगी से चले गए। और फुरुची को कहता
कहता है कि तुम भी तो चाहते थे ना तुम्हारी ज़िंदगी से बेथेम चला जाए। और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, चलो रिवर के पास जाते हैं, नदी के पास जाते हैं। तो फुरुची सोचता है कि क्या वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वो दोनों रिवर के पास जाते हैं, जाने के बाद ओगा उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है, दिखाता है वो इधर उधर देख रहा है। और देखते देखते उसे देखता है सामने एक लड़का और उसके पीठ में वो बच्चा है, मतलब बेल्ज़ेबूब है। और उसके बाद दिखाता है जिस लड़के के पीठ में बेल्ज़ेबूब है वो और कोई नहीं, वो तोजो होता है। और तोजो कहता है अरे ओगा तुम आ गए, अब तो हम लोगों को फाइट करना पड़ेगा। और इस सीन को देखने के बाद फुरुची भी बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। और इस सीन को देखने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, जो बेल्ज़ेबूब है वो ओगा को छोड़ के तोजो के कंधे पे क्या कर रहा है। और उसके बाद ओगा कहता है कि आई एम लकी, वो देखो उसके साथ है, अब तो हम लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो कहता है कि चलो घर में चलो, और कह के वो नदी में चला जाता है। तो फुरुची उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें पहले देखना पड़ेगा क्या तुम्हारे साथ सच में उसका कनेक्शन टूट गया है, और उसके साथ कनेक्शन हो गया है तभी हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। तो जो फुरुची है वो तोजो को एक क्वेश्चन करता है, कहता है कि तुम्हारे पीठ में जो बच्चा है क्या तुमने उसे किसी जगह से उठाया है या फिर वो बच्चा आके तुमसे चिपक गया है। तो तोजो कहता है कि ओ मेरे पीछे जो बच्चा है ये बच्चा, मैं तुम्हें ये तभी बताऊंगा जब तुम मुझे फाइट में हराओगे। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और तोजो फाइट के लिए प्रिपेयर होते हैं और दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होने वाला होता है। तो तोजो कहता है कि तुम अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला करना, तुमने अभी तक जिन लोगों के साथ फाइट किया है सब लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इसलिए तुम बहुत आसानी से जीत गए थे। और उसके बाद दिखाता है कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आता है और दोनों एक दूसरे को पंच करने वाला होता है। और तोजो एक बहुत ही पावरफुल सा पंच करता है जिससे ओगा बहुत दूर जाके नदी में गिरता है। और उसके बाद तोजो कहता है अरे तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम तो एक ही पंच में ढेर हो गए। और उसके बाद तोजो के साथ जो चमचा होता है वो कहता है कि कोई भी तोजो का एक पंच खाने के बाद उठ के खड़ा नहीं हो सकता। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा पानी से उठ के खड़ा होता है और वो धीरे धीरे उसके पास आता है, आने के बाद उसे भी एक पंच करता है और वो भी उसे पंच करता है, दोनों एक दूसरे को मारने लग जाता है। और उसके बाद ओगा बहुत ज़्यादा पावर लगाता है, लगा के तोजो को ही उड़ा देता है और वो भी बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके साथ जो चमचा होता है वो कहता है कि ये कैसे हो गया, और तोजो कहता है कि डोंट वरी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी दिखाता है कि तोजो भी बाहर से उठ जाता है। और उसके बाद तोजो कहता है कि अभी तो मज़ा आने लगा है। और उसके बाद एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा फाइट करता है, एक दूसरे को मुक्का मारता है, वो भी उसे मुक्का मारता है, एक दूसरे के पावर अटैक को ब्लॉक कर लेता है और दोनों एक दूसरे को हेडबट मारता है। और उसके बाद तोजो कहता है कि ये जो बच्चा है ये बच्चा मेरा नहीं है, और मैंने सोचा है जब तक इसका पेरेंट्स नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे पालूंगा। और उसके बाद ओगा कहता है कि मैंने तुझसे नहीं पूछा, तू क्यों बता रहा है मुझे। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत बड़ी या खतरनाक पंच करता है। और उसके साथ जब फाइट कर रहा था तब उसका जो ड्रेस है वो फाड़ जाता है, जाने के बाद देखता है कि तोजो के हाथ में भी जेबुल स्पेल है। और उसके बाद तोजो कहता है कि थैंक्स टू मेरे साथ इतने खतरनाक वाले फाइट करने के लिए, अब मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। और उसके बाद ओगा को एक बहुत बड़ा खतरनाक वाला पंच करता है जिससे कि ओगा को उड़ा देता है, वो सीधा जाके नदी में गिरता है। तोजो का ये खतरनाक वाला अटैक देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है, शॉक में चला जाता है। फुरुची तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इतना बड़ा खतरनाक अटैक कैसे किया। और उसके बाद तोजो फुरुची को कहता है कि सुन, जब वो पानी से बाहर निकले उसे कहना उसके साथ फाइट करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद वो बेल्ज़ेबूब को लेकर बाहर से चला जाता है। और इसी पॉइंट पर ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। और आज ही एक और एपिसोड आने वाला है, तो वो एपिसोड भी मिस मत करना। और जिसने भी ये वीडियो इतना दूर तक देखा, हाँ मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ, जिसने ये वीडियो इतना दूर तक देखा इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और इस वीडियो को एक लाइक करना और एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।